लेडीज ईटीआरएक्स की यार पब्लिक आ रही है, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी लोग ठीक ठाक हो, अच्छे हो, मजे में, बढ़िया हो। कैसी चल रही है आप लोगों की जिंदगी? तो उम्मीद करते हैं अच्छी खासी चलती रहे। Guys, today is a big day, big day, big day, big day, big day. It's a big day, it's a big day. तो guys, आज finally after a very long time आज तुम्हारा भाई परफॉर्म करने वाला है। तो guys, एक परफॉर्मेंस है आज, हम लोग वहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं। एक इवेंट है जिसको मैं होस्ट करने वाला हूँ आफ्टर एजेस। यार इतने टाइम के बाद यार मैं आपको कैसे समझाऊँ, सारी चीज़ें शुरू से शुरू करते हैं। बेसिकली स्टार्ट ऐसे होता है कि यार मेरे को 2 दिन पहले कॉल आई थी कि भाई साहब आप अगर फ्री हो ये डेट पे तो आपको एक इवेंट है वो होस्ट करने, तो आप करोगे? तो हमने कहा हाँ जी हम इस दिन पे फ्री हैं तो हम होस्ट कर लेंगे। तो एक कॉलेज का इवेंट है जो कि एक कॉलेज का इवेंट है जो कि एक कॉलेज का इवेंट है, और उसके बाद क्या है, हाँ कॉलेज का इवेंट है अंधेरी में। वो कॉलेज है और मैं उसका नाम वाम आपको मैं बाद में ही सारी डिटेल्स बताऊंगा जब हम रास्ते पे चलते जाएंगे। तो मेरे को अभी डायरेक्शन जाएंगे, तो अभी हम बस उठे नींद से, हम जाएंगे, रेडी वेडी होएंगे, नाश्ता वाश्ता करेंगे और उधर जाके इवेंट करेंगे। इवेंट होस्टिंग मतलब इन द सेंस वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग परफॉर्मेंसेज हैं, गेम्स हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, तो वो मुझे होस्ट करनी है। तो वहाँ पर जाके थोड़ा बहुत मस्ती करेंगे, मजाक करेंगे यार आफ्टर एजेस। गुड मॉर्निंग, तुम्हारा भाई आज परफॉर्म करने वाला है। विश मी लक, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। ओए यार थैंक यू सो मच। अब गुड मॉर्निंग हो चुकी है गाइस यहाँ पे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे नाश्ता बन रहा है, मेरा नाश्ता बन रहा है अभी टाइम है और थोड़ा सा लाइक इट्स वेरी नर्वस यार, मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अंधेरी के कॉलेज में वहाँ का क्राउड कैसा होगा, आफ्टर एजेस जा रहा हूँ मैं भाई। प्रैक्टिस किया है? प्रैक्टिस एक तो क्या करूँ, प्रैक्टिस होस्ट करना है। अभी वो इवेंट्स के नाम बताएंगे मुझे, उसको डायरेक्ट ऑन द स्पॉट होगा, जो भी होगा एकदम ऑन द स्पॉट, फुल फ्रेश फ्रेश ताजा ताजा माइंड होना चाहिए उसके लिए। तो इस वजह से तो मेरे को अगर अच्छा नाश्ता मिलेगा तो फ्रेश माइंड से रहूंगा मैं। अब वो पूरा डिपेंड आपके ऊपर है, वो पूरा डिपेंड आपके ऊपर है। अगर फ्रेश नाश्ता मिला तो फ्रेश माइंड होगा। गाइस आज सुबह के नाश्ते में हमारे पास है चेहरा फुल्का और चाय, तो जल्दी से खा के करते हैं आपसे बात। यार गाइस इतनी ज़्यादा लेट हो गई है, मैं आपको क्या बताऊं भाई साहब, इतनी ज़्यादा मैं क्योंकि 3:15 की ट्रेन थी और मैं 3:10 तक घर पे हूँ यार, बहुत ज़्यादा लेट हो गई। 1 मिनट रुको यार, ये है बिहाइंड द सीन्स कि आपका होस्ट कैसे तैयार हो रहा है। पैंट पहन रहा हूँ यार, 2 मिनट दे दो। की ट्रेन या नहीं अभी फिलहाल गाइस मैं टी शर्ट डाल के जा रहा हूँ। अरे यार मैंने टी शर्ट उल्टी डाल दी है, अभी फिलहाल टी शर्ट डाल के जा रहा हूँ। उधर हम लोग कपड़े ढंग से पहनेंगे यार। गाइस यार मैं पहले आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ। एक तो घर से निकलने के टाइम पे मैंने सुसु भी नहीं किए, तो मेरे को इतना अजीब लग रहा है यार। सुसु करके निकलता था घर से यार। यार गाइस इतना प्रेशर, इतना प्रेशर। पहले ही एक्चुअली मैं घर से सुसु करके नहीं निकला हूँ, उसके बाद उसका प्रेशर, उसके बाद यहाँ पे प्रेस वाले भैया बंद है। अब कैसे होएगी मेरी वाइट कलर की शर्ट प्रेस यार, आयरनिंग कैसे होएगी यार। मेरे को उधर इतना पहले ट्रेन छूट जाएगी ना, कितने बजे 3:15 की गई ना ट्रेन, गई। अब पता नहीं दूसरी ट्रेन कितने बजे और मैं जल्दी पहुँच पाऊँगा नहीं पहुँच पाऊँगा यार, बहुत ज़्यादा लेट हूँ ऑलरेडी। फाइनली वी हैव रीच्ड अंधेरी स्टेशन। तो हमारे कॉलेज का नाम है जहाँ पे हम आज़ाद नगर, अच्छा सॉरी यार, सॉरी आई फॉरगॉटन। हम लोग आज़ाद नगर स्टेशन पे आए हैं, अंधेरी के पास में ही है यार, आप समझ जाते हो। तो सबसे पहले एक चीज़ करनी है, वो है सुसु, मेरे को कब से लगी हुई है। हाय गाइस, रोल नंबर 27 बिगड़े बाल, रिप्रेजेंटिंग मस्ती मजा क्लब। अभी तक वॉशरूम नहीं हुआ है बिकॉज यहाँ पे स्टेशन पे है ही नहीं, हमको अपोजिट साइड जाना पड़ता था। लेकिन जो हमारी कॉलेज है सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट, हम लोग वहाँ पर ही जाके कर लेंगे। थोड़ा सा होल्ड करेंगे पेशेंस के साथ और उसके बाद वॉकेबल डिस्टेंस पे ये यहाँ से स्टेशन से, वैसे नहीं तो हम लोग यूजुअली अंधेरी आते जाते रहते हैं, बट ये आज़ाद नगर में है। तो आज़ाद नगर पे बोला मेरे फ्रेंड ने, जिसने मुझे कॉल किया था, उसने बोला कि वॉकेबल डिस्टेंस पे आप पैदल ही आ जाओगे, तो हम अभी पैदल जाते हैं। और देखते हैं क्या सीन है। हम लोग बिफोर टाइम पहुँचे हैं भाई साहब, बिफोर टाइम इवेंट के। आई वॉज रियली वरीड कि मैं इवेंट पे टाइम पे पहुँच पाऊँगा नहीं पहुँच पाऊँगा। वी आर बिफोर टाइम, लाइक 6 बजे का इवेंट है और अभी बज रहे हैं 4:40। मैं 5 बजे पहुँचने वाला था लेकिन 5 बजे से पहले ही पहुँच जाऊँगा आई गेस। एंड आई एम रियली हैप्पी कि कहीं तो बिफोर टाइम पहुँच रहे हैं अपनी लाइफ में। घर से निकलने के टाइम में बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि टाइम पे पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, पहले इतना दूर है अंधेरी उल्हासनगर से आना जाना। तो आज का मौसम विभाग बहुत ही प्यारा हो रखा है, मूड बहुत ही अच्छा हो रखा है बिकॉज आफ्टर अ रियली लॉन्ग टाइम आई एम परफॉर्मिंग और स्टेज पे जाने का मौका मिलेगा। आई डोंट नो कैसा होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, बस अपना बेस्ट देना है यार जैसे भी होगा। और मैं यार उतना प्रिपरेशन करके आया नहीं हूँ, तो देखिए होप फॉर द बेस्ट। और आज का मौसम यार, मेरे को मौसम विभाग बताना था लेकिन मैं आपको अपना मूड का विभाग बता रहा हूँ। तो आज का मौसम विभाग ऐसा है कि यार आसमान बहुत ही साफ़ हो रखा है, अच्छी खासी हवा चल रही है, मूड एकदम ज़बरदस्त हो रखा है। बस अभी बारिश नहीं होनी चाहिए, ऐसे पता चला आधे घंटे में भगवान ने फ्लिप मार दिया और बोला बेटा तुम्हारा मूड ख़राब करने के लिए हम कर रहे हैं बारिश, तो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। बट यहाँ पर बहुत अच्छा, पूरे बादल साफ, आसमान क्लियर, ग्रीन ट्रीज। फाइनली वी आर एट द कैंपस, इन साइड द कैंपस। ही इज़ द कोऑर्डिनेटर बोलूँ ना, क्या बोलूँ, लाइक ये तो काफ़ी पुराना फ्रेंड है हमारा, स्कूल फ्रेंड है। तो फाइनली हम लोग इवेंट पे अभी जा रहे हैं, स्टेज वेज देखेंगे और उसके बाद कौन सा हॉल है, क्वार्टर एंगल है, मैं वो पहली बार देख रहा हूँ। और उसके बाद क्या चीज़ें हैं कैसी चीज़ें हैं मेरे को कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन सबसे पहले एक ही चीज़ करनी है, वो है प्रेशर बहुत ज़्यादा बना हुआ है भाई साहब, प्लीज़ मेरे को सुसु करवा दो यार। यहाँ पे वॉशरूम है कहीं पे और इतनी हवा लग रही है, ओह माय गॉड मेरे आने से तूफान भी आ गया। एंट्री वाला फील मेरे को भगवान दे रहा है लिटरली, एक अच्छी वाली एंट्री और काफ़ी अच्छा कैंपस है। आई होप गाइज मेरे को अगर टाइम मिला ना मैं आपको ये कैंपस दिखा दूंगा बिकॉज ये वाला कैंपस बहुत ही बढ़िया है। मेरे को जस्ट अभी मेरा फ्रेंड बता रहा था यहाँ पे बर्ड रिजर्व सेंचुरी थी कोई तो भी, इस वजह से यहाँ पे कैंपस के अंदर पीकॉक्स आते हैं, पीछे लेक भी है। आई विश मेरे को थोड़ा सा और टाइम मिल जाए ना, मैं आपको पूरा कैंपस दिखा दूंगा। सबसे पहले एक ही चीज़ करनी है। वी हैव द मैनेजमेंट सिस्टम, लैपटॉप एंड जॉल। We are waiting in the backside and thank you so much for these award guys, it really means a lot to me. वो management secretary है, वो cultural secretary है, vice पीछे अपनी वो दिखा दो please. Oh my god look at this Nikhil, क्या बात है। तो guys we have the awards, thank you so much guys, it really means a lot to me कि इतने सारे awards आपने मुझे दे दिए। ये वाला तो तेरे लिए होना चाहिए, क्या है late latif award goes to, मैं लेट किसने किया व्लॉग में दिख जाएगा। ओके गाइस आई विल टेक दिस ऑनर लेट लतीफ का मेरे पास है। तो गाइस फिलहाल गोइंग टू द क्वार्टर एंगल, फिलहाल के लिए जाके देखते हैं कैसा माहौल होने वाला है, कैसी है स्टेज, इज एवरीथिंग इज ओके। ये वाला एरिया मेरे को भी आइडिया नहीं है कि ये वाली एरिया क्या है, बट यहाँ पे कोई तो भी इवेंट चल ही रहा है पहले से ही, आपको आवाज़ आती रहेगी। लाइक यहाँ पे पहले से ही चीयर अप हो रहा है बहुत ज़्यादा और यहाँ पे फिलहाल के लिए हमारे पास टाइम है तो हम लोग थोड़ा सा कॉलेज एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये फ़ायदा है गाइज, ये फ़ायदा है बहुत ज़्यादा कि आप अगर जल्दी आते हो तो आप थोड़ा सा कॉलेज देख सकते हो। आ जाओ तो देखते हैं, आ जाओ यार। गाइज वी हैव लेक इनसाइड द कॉलेज, कॉलेज के अंदर लेक है, वाओ। अभी सब लोग आ चुके हैं, बैक स्टेज में लोग वेट कर रहे हैं डांस कर, और 2 घंटे बाद ये पूरा ऐसे लाइट अप लाइक दिवाली होने वाली है यहाँ पे और सब सेट। मेन सबका फेयरवेल है ना, तो दे आर हैविंग देयर नाइस टाइम, इस वजह से तो वी आर हैविंग आवर नाइस टाइम। ओ भाई What we do here is go back. सारा मैनेजमेंट टीम है, आप लोग देख सकते हो जिन्होंने पूरी मेहनत की हुई है, आप सभी को देख सकते हो यार। एक बार इन लोगों के लिए जोरदार एक बार शेयर अप करेंगे। हिप 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 हिप। हम लोगों ने अपना बेस्ट दिया यार, बाकी लोगों का पता नहीं। इन सब ने अपने अपने जगह पे यार बेस्ट दिया, रियली अप्रिशिएटेड। एक बार फिर से यार हिप 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 हिप। Best DJ, best dance with the best people. ओ भाई साहब, इतना नाचे हैं, पेट भर के नाच ही रहे थे हम खाली आज। वॉज लाइक हेवन, अलग। ये मेरा भाई क्या नाचा है भाई साहब, शब्द कम पड़ गए। लेकिन अब यार उल्हासनगर कैसे जाऊंगा मैं यार, उल्हासनगर जाने में फॉर्म ऑफ द एनर्जी है। भाई साहब देख रहे हो पूरा भीग गए, मेरी वाइट शर्ट वर्ट सब भीग चुका है भाई साहब। सूरज से फोन में आई स्वेयर, पता है जब उसने बंदे ने बोला ना फोटो के लिए, आई वाज लाइक भाई बेस्ट इवेंट बेस्ट होस्ट, बेस्ट इवेंट, बेस्ट मैनेजमेंट, बेस्ट डांसर। ये अब मेरे को उल्हासनगर कौन छोड़ेगा बस वो बता दो प्लीज। लोग किसको तो, किसके साथ जाना है तू बता। मेरे को 4 व्हीलर में जाने, लग्जरी के साथ। सेंटा क्रूज से उल्हासनगर छोड़ने चलेंगे। गाइस फाइनली इवेंट इज डन, सब कुछ हो गया, इतना अच्छे से हो गया। काफ़ी मज़ा आया यार, ऑडियंस के साथ भी मज़ा आया, मैनेजमेंट के साथ मज़ा आया। इतने टाइम के बाद स्टेज पे परफॉर्म किया, उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इतनी ज़्यादा अच्छी एनर्जी थी। लास्ट में तो भाई साहब जो नाचे हैं हम लोग, मैं आपको बता नहीं सकता, इतना ज़्यादा अच्छे से हो गया। अभी हम लोग कैब में हैं, बस अभी घर जाएंगे और उसके बाद एडिटिंग करनी है, उसके बाद एडिट पर भी बैठना है। अब देखें कितने बजे पहुँचते हैं घर पर। खाना भी नहीं खाया है, कुछ भी नहीं खाया है, थोड़ा बहुत स्नैक्स खा लिए हैं। तो अब घर जाके खाना खाएंगे, फिर उसके बाद बैठेंगे। तो आई होप आप लोगों को गाइस मज़ा आया रहेगा। हमारे साथ पूरे दिन में इस ब्लॉग में आप लोगों को मज़ा आया रहेगा। आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट किया, जो हम फील कर पा रहे हैं वो आपको ब्लॉग में भी फील करवा पाएँ। तो इसी ब्लॉग को करते हैं ख़त्म। आई होप आप लोगों को ऐसे ब्लॉग्स पसंद आते रहेंगे। तो ऐसे ब्लॉग्स अगर पसंद आते हैं तो यार मिलेंगे आप लोगों से अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय, पीस विद पप्पी।